एक्चुअली सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आज इतना सुंदर विषय है जो आज एमबी कॉमर्स कॉलेज और श्री एमएन आर्ट्स कॉलेज के सभी विद्यार्थी और सभी फैकल्टीज को इस टॉपिक के अंतर्गत आप सबका बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है। और साथ साथ हमारे प्रिंसिपल साहेब डॉक्टर एचआर भट्ट जी, उनको भी बहुत थैंक्स देती हूँ जो विद्यार्थियों की उन्नति के लिए आज इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है जो विद्यार्थी खुद अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को जागृत करे और अपने आप को एक कुशल व्यक्तित्व बनाए। तो आज विशेष प्रिंसिपल साहेब को भी बहुत-बहुत थैंक्स है। ये सेशन शुरू करो उसके पहले मैं विद्यार्थी भाई बहनों को कुछ कहना चाहती हूँ कि आप जब भी ये सुने तो आपके नजदीक एक कॉपी और पेन जरूर से रखें, क्योंकि इसमें कुछ एक क्वेश्चंस भी मैं आपको पूछूंगी जो पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड होंगे, तो वो आप अच्छे से लिख सके। तो सभी भाई बहने कॉपी और पेन भी रखेंगे। दूसरा, जब आपको ये भी होगा कि जब हमने शुरू किया तो ओम शांति कहा, तो मैं कहती कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का सबसे अच्छा टूल ये ओम शांति है। कैसे? जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो तीन शब्द सुनाई देते हैं। कौन से तीन शब्द? अ उ और म। अ माना आचरण, उ माना उच्चारण और म अर्थात मन। कहने का भाव कि मेरे विचार, वाणी और व्यवहार कैसे होने चाहिए। हर कोई चाहता है कि वो अच्छे हो, पॉजिटिव हो। हम कहते हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं तो हम ओम शांति कहते हैं, अर्थात स्वयं को ये याद दिलाने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा भी बिहेव क्यों नहीं करे, सिचुएशंस कैसे भी क्यों नहीं हो, परंतु मुझे अपने विचार, वाणी और व्यवहार तीनों को शांत रखना है। रहता नहीं है, हम सभी जानते हैं, परंतु उसको रखने के लिए हमें क्या प्रैक्टिस करनी है या क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसके लिए आज का विषय ही है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। साथ साथ आपको ये भी क्वेश्चन उठता होगा कि ये तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रह्मा कुमारी संस्था है, और मैनेजमेंट के क्लासेस कैसे लेते हैं। तो आपको इसकी शुरुआत की एक बात सुनाऊं कि हैदराबाद में नागार्जुना फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर एक बार माउंट आबू आए थे जो ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है। तो वहां आए और 3 दिन वहां ही रहे, तो उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट को देखा, अलग अलग स्थानों को देखा, और जैसे जो जिस व्यक्ति जिस प्रोफेशन से होता है तो नेचुरल उसको वही चीजें दिखाई देती है। तो वो हालांकि मैनेजिंग डायरेक्टर थे तो वो हर बात को उसी मैनेजमेंट के कंसेप्ट से देख रहे थे। तो 3 दिन में वो अलग अलग हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उस समय आई थिंक 40 डिपार्टमेंट्स थे इन हाउस, तो हर डिपार्टमेंट में वो जाते थे, हर व्यक्ति को पूछते थे कि आपने क्या पढ़ाई की, आपके पास डिग्री कौन सी है। तो 3 दिन पूछने के बाद उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि यहाँ जो भी डिपार्टमेंट में भाई बहने काम कर रहे हैं वो उसके मास्टर्स नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी इतना अच्छा ये पूरा मैनेजमेंट कैसे चलता है। या 3 दिन रहे, कोई किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, कोई किसी को ऑर्डर नहीं कर रहा है, और सारे कार्य बहुत अच्छे से चल रहे थे। तो उनके क्यूरियोसिटी का पार नहीं था। लास्ट डे हमारी दादी जी को मिलना हुआ जो हमारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। उस समय दादी प्रकाशमणि जी थी, उनके बाद दादी जानकी जी हुए,
जो अभी मार्च 24th को उन्होंने अपना साकार देह त्याग किया और उनकी आयु थी 104 वर्ष। तो 104 वर्ष में इतनी आयु पर 140 देशों में 4000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र है ब्रह्मा कुमारीज के, इतना बड़ा मैनेजमेंट वो संभाल रहे थे। तो उनका नाम केवी के राजू था, तो उन्होंने दादी जी को एक ही प्रश्न पूछा कि दादी जी मैं 3 दिन से यहाँ देख रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट को अटेंड किया, इतने लोग क्वालिफाइड नहीं है फिर भी इतना सुचारू रूप से मैनेजमेंट चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कंपनी में तो पूरे इंडिया से बहुत क्वालिफाइड लोगों को रिक्रूट करते हैं अलग अलग प्रांत के, लेकिन बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, फिर भी इतने मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स हैं और दुनिया भर के बेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को भी हम बुलाते हैं लेकिन फिर भी इतना अच्छे से नहीं चलता है, तो आपका कारोबार कैसे चलता है, और वो भी इतनी आयु में, क्योंकि नागार्जुना फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक शहर में ग्रुप ऑफ कंपनीज भी संभालना हमारे लिए आज हेडेक है, और आप माउंट आबू एक छोटा सा गांव ही का हो, इतना एस्टैब्लिश्ड नहीं है, और इतनी आयु में आप इतना अच्छा मैनेजमेंट कैसे संभाल लेते हो। तो दादी ने एक वर्ड में जवाब दिया, एक शब्द में, क्या कहा? आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। तो जैसे उनके दिमाग में ये क्लिक हुआ कि स्पिरिचुअलिटी कैसे मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट को सही कर सकती है। आप लोगों ने देखा होगा आज कोई भी कंपनीज हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें बहुत सारी बातें सीखते भी हैं। तो सबसे पहले तो हम आज का विषय देखते हैं कि आज का जो विषय है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, तो उसमें दो शब्द हैं, एक है सेल्फ और दूसरा शब्द है मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये दो शब्दों को हमें आज के दिन समझना है। तो सेल्फ मैनेजमेंट अर्थात सेल्फ को तो समझते हैं हम स्वयं, और दूसरा है मैनेजमेंट स्किल्स। तो मैनेजमेंट में आज विशेष रूप से 3 बातों पर अटेंशन दिया जाता है। आप सोचते होंगे हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम थोड़ी कोई कंपनी के मैनेजमेंट में हैं या हम कोई मैनेजर्स हैं, लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि हर कार्य में मैनेजमेंट की आवश्यकता रहती है। आप सोचो कि आपको सुबह उठने में देरी हो गई और आपको कॉलेज टाइम पर पहुंचना है, अभी देर से उठे क्योंकि आप देर से सोए, देर से उठे टाइम कम है इसलिए फटोफट भागा दौड़ी में आप सब कार्य कर रहे हो, उसमें कोई चीज नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, नेचुरल चिल्लाएंगे, मम्मी होगी तो मम्मी पर शाउट करेंगे, नाश्ता रेडी नहीं है तो आवाज करेंगे, इतनी सारी भागदौड़ में हम तैयार होते हैं, फिर हम नीचे उतरते हैं अपनी बाइक के लिए कि भी कॉलेज पहुंचना है या बस स्टॉप पर जाते हैं, अभी बाइक को किक मारा, बाइक चालू नहीं हो रही है तो उसको लात मारेंगे, बस स्टॉप पर जाएंगे बस नहीं आई तो उसको कोसेंगे कि आज ही इसको देरी होनी थी, ऐसे करते भागते दौड़ते हम कॉलेज में गए और सीधा क्लास अटेंड करना शुरू किया। तो आपका ध्यान कहाँ होगा, क्या आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, और सारे दिन में जितने भी स्टूडेंट्स मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, उनको क्या कहेंगे, अरे आज तो इतनी जल्दी जल्दी हो गई, आज ये मिस हो गया, आज वो मिस हो गया, आज इसने मेरे को डिस्टर्ब किया, आज ये तैयार नहीं था, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने कार्य को मैनेज नहीं किया था। हालांकि मुझे याद है कि रोज मुझे सुबह इतने बजे उठना पड़ेगा जो मैं आराम से तैयार हूँ, स्वस्थ रहूँ, पॉजिटिव रहूँ, हर कार्य शांति से करूँ, उसके लिए मुझे अपने को टाइम मैनेज करना था जो नहीं किया। तो मैनेजमेंट हर क्षेत्र पर, हर स्टेप पर काम आता है, और इसलिए कहा जाता है
कि मैनेजमेंट वर्ड को अगर कोई मास्टर कर ले तो वो किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं, अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो सफलता के लिए अनिवार्य है कि हम मैनेजमेंट को समझें। तो ये मैनेजमेंट हमको सिखाती क्या है? तो मैनेजमेंट हमको ये सिखाती है, आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट ये एक शब्द है, तो ये एक लेटर है, एक शब्द है। अभी आप सभी अपना पेपर और पेन तैयार रखो और उसमें देखो कि ये एक शब्द में और कितने कितने शब्द हैं। शांति से पढ़ो शब्द को और कितने वर्ड्स इसमें आप पढ़ सकते हैं वो आप अपने पेपर पर लिखो। अभी सबने लिखा होगा। अभी सबसे पहले क्या दिखाई देता है? मैनेज मेन, अर्थात अभी तक मैनेजमेंट में यही कॉन्सेप्ट रहा है कि लोगों को मैनेज करना, और इसलिए मैनेजमेंट में कहते 5 M's, मैनेज मेन माने एक तो लोग, मैनेज मार्केट्स, मैनेज मशीन्स, मैनेज मनी। तो ये सारे एम्स मैनेज होते हैं, तो ये मैनेजमेंट। पर फिर हमारा अनुभव क्या रहा कि ये सब दूसरों को मैनेज करने में हमारा मन शांत रहा या अशांत हो गया? दूसरों को मैनेज करने में आज हमारी फैकल्टीज जो कॉलेज के हैं वो सभी जानते हैं कि अगर स्टूडेंट्स को मैनेज करना हो तो मन शांत रहता है, रिलैक्स रहता है कि टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे इनको चुप किया जाए, कैसे इनको संभाला जाए, कैसे इनको अच्छे से मैनेज किया जाए। तो दूसरों को मैनेज करने में हमारा मन शांत नहीं रहता है, ये तो अनुभव सबने कर लिया। तो अभी एक दूसरा वर्ड उसमें हमें समझना है, वो है मैन ए जेम जी ई एम। तो हम आज सेल्फ मैनेजमेंट में ये सीखेंगे कि सबसे पहले हम ये बात अंडरलाइन करें, हर इंसान जेम है, अर्थात बहुमूल्य वो व्यक्ति है। हर व्यक्ति में दो चीजें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्ट्रेंथ्स होती है, वीकनेसेस होती है, कमजोरियां होती है, शक्तियां भी होती है, क्षमताएं भी होती है। कहने का भाव, अच्छाई और बुराई दोनों होती है एक व्यक्ति में। तो अभी हमें दूसरी बात अपने पेपर पर लिखना है, उसके लिए आपको 1 मिनट दूंगी। आपको लिखना है कि आप क्या समझते हो मेरे जीवन में सबसे अच्छी बात क्या है, मेरा अच्छा गुण, मेरी अच्छी कोई स्किल्स। हॉबी नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि यूजुअली लोग हॉबी लिखते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात, जैसे कोई कहेगा कि मेरे लाइफ में कुछ भी होता है पर मैं सदैव पॉजिटिव सोचती हूँ, तो ये अच्छी बात है। कोई कुछ भी कहते हैं, माना अच्छी बात कोई बड़े भी कहते हैं, तो हमेशा हाँ जी करना ये अच्छी आदत है। तो ऐसी कौन सी अच्छाई आप समझते हो कि मेरे जीवन में है, वो अच्छाई आपको लिखनी है। अर्थात आपके जीवन में कौन से हीरे मोती माणिक हैं, कौन से जेम्स हैं जो आपको आपकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, आपको लोगों के बीच में अच्छा महसूस कराते हैं। वो बाह्य स्वरूप से नहीं हो, अच्छा लुक नहीं, अच्छे खानदान से नहीं, अच्छे पैसे हैं आपके पास वो भी नहीं, पर आपकी खुद की क्वालिटीज। जैसे आप जब पढ़ाई करते हो तो बहुत एकाग्रता है, तो ये अच्छा ही है। आप बहुत शांति से
अपने फैकल्टीज को, अपने टीचर्स को, अपने सर को सुनते हैं, अच्छी बात है। तो ऐसी कौन सी अच्छाई है जो आपको लगता है कि इन अच्छाइयों से मैं बहुत आगे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ? तो आपको शांति से सोचना है। तो सबने लिखा होगा, अभी और आगे चलते हैं। और इस शब्द की कमाल क्या है, और कौन सी शब्द है? तो उसमें सबसे पहला है मैन। अभी तक हम क्या सुना कि मैनेजमेंट में क्या मैनेज करते थे? मैन को, माना दूसरे लोगों को, इंसानों को, दूसरे कार्यों को। अभी सेल्फ मैनेजमेंट में हमको क्या सीखना है कि हम कैसे अपने आप को मैनेज करें। द मैन विच इज विद इन, अर्थात मैन को अगर हिंदी में कहें तो वो मन होता है। तो हमारे मन को हम मैनेज कैसे करें? आप कहेंगे कि अगर किसी को कहे कि चुप रहो, आपको कुछ नहीं बोलना है, और अगर उसके लिए कंपटीशन में आ जाओ तो बहुत बोलने वाला व्यक्ति भी चुप हो सकता है, परंतु मन को शांत करने के लिए तो वो तो नहीं होता। हमें भी कई लोग कहते हैं कि दीदी और सब तो ठीक है, पर मन हमारा शांत नहीं रहता, मन बहुत सोचता है, तो उसको शांत कैसे किया जाए? तो उसके लिए दूसरा वर्ड है और वह है एज। एज के लिए कहा जाता, एज कोई उम्र से कनेक्शन नहीं है। कहते एज डजंट मैटर, इट इज द करेज दैट यू नीड। तो कौन सा करेज, कौन सी करेज चाहिए? तो एक करेज है अपने आप को शांत रखने की, अपने आप को मैनेज करने की। कहते हैं कि अगर हम अपनी कर्म इंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं करते हैं तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना कि 80-85% डिजीज साइकोसोमेटिक है, अर्थात जिसका कारण मन होता है। साइकोसोमेटिक माना साइकी माना मन, और सोमा माना बॉडी। तो मनोदेहिक रोग आज हो रहे हैं और वो 80-85%, यहाँ तक कि 90% तक प्रूव हो चुका है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम अपने जीवन में देखें तो 80-85% जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स का कारण क्या? हमारे शब्द, हमारी वाणी। तो क्या एक छोटी सी जबान को हम मैनेज कर सकते हैं? क्या अनुभव है? कहते हैं कि एक जबान को कितनी सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए हैं, 32 लगाए हैं, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि ये जो जबान है उसमें कितनी क्षमता है। कहते हैं दिस टंग हैज नो बोन्स, माना इस जबान में कोई हड्डियां नहीं है, परंतु वो चले तो हड्डियां तोड़ सकती है, जिसको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी ठीक नहीं कर पाएगा। हम सबको अनुभव है कि अगर फ्रैक्चर हो तो वो करके 6 मास में भी ठीक हो जाएगा, परंतु किसी को हम बुरा भला जब सुना देते हैं या हमको कोई सुना देते हैं तो कितने वर्ष तक हमको याद रहता है? कहते आज जीवन याद रहता है। और इसलिए कहा कि ये वाणी, आपने देखा होगा हमारा जो लिप्स का जो डिजाइन है वो कुदरत ने एक कमान जैसा दिया है, और इसलिए कहा जाता है कि कमान से छूटा हुआ तीर और वाणी से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते।
आप किसी को गलत बोल दो, उसको हर्ट हो जाता है, फिर आपको सॉरी यार ऐसे ही बोल दिया, चलेगा? सॉरी मान लेते हैं, कहते नहीं वो जो घाव है ना वो कभी मिटता नहीं है, और इसलिए हमको हिम्मत चाहिए अपने जबान को, अपनी कर्म इंद्रियों को शांत रखने के लिए। तो यहां तो मन की बात चल रही है। आप सभी को याद होगा महाभारत में एक पात्र है गांधारी का, और दूसरा पात्र था दुर्योधन। वैसे तो बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन ये दोनों की बात में एक विशेष बात ये थी कि गांधारी जी देख सकती थी, जो दुर्योधन के माता जी थे वो देख सकती थी, लेकिन अपने पति धृतराष्ट्र जो नहीं देख पा रहे थे। तो उनके साथ जब उनकी शादी हुई तो उनको लगा कि जब मेरे पति संसार को नहीं देखते हैं तो मैं क्यों देखूं। तो उन्होंने भी अपने स्व इच्छा से आंखों पर पट्टी बांध दी थी। फिर ऐसे करके जब महाभारत का समय स्टार्ट हुआ, महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ, तो लास्ट में एक द्वंद युद्ध था भीम और दुर्योधन के बीच में। तो उनको बड़ी चिंता थी कि दुर्योधन का क्या होगा। तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि आज रात्रि नदी में आप स्नान करके निर्वस्त्र मेरे सामने आइएगा। तो दुर्योधन जी रात्रि को स्नान करने गए, फिर निर्वस्त्र आ रहे थे महल की और माता जी के सामने, तो श्री कृष्ण जी उसमें बीच में आते हैं, और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अरे आप छोटे थे तब तो ठीक है निर्वस्त्र माता जी के सामने जाए, परंतु अभी तो आप इतने बड़े हो गए हैं, आप निर्वस्त्र ऐसे कैसे जाएंगे। तो उसको लगा कि हाँ ठीक है, तो वो फिर थोड़ा सा पोर्शन अपने बॉडी का ढक देते हैं, फिर वो जाते हैं अपनी माता जी के सामने। तो गांधारी उन अपनी आंखों की पट्टी निकालते हैं और दुर्योधन के पूरे शरीर को वो देखती है। जैसे जैसे उनकी दृष्टि उनके शरीर पर पड़ती है, वैसे वैसे उनका शरीर वज्र का हो जाता है, अर्थात बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पर जिस एरिया में वो कपड़ा था वहां नहीं हुआ। और फिर उनका आगे स्टोरी फिर चली। पर कहने का भाव इसमें सबसे कमाल की बात ये थी कि उन्होंने जो इतने सालों तक अपने आंखों की दृष्टि की शक्ति को जो एक्यूमुलेट करके रखा था, संचित करके रखा था, उसका यूज नहीं किया था, उसकी ये कमाल थी। बाकी कोई साधना, कोई तपस्या, कोई देवी का वरदान कुछ भी नहीं था उनके पास, केवल अपनी दृष्टि की शक्ति को यूज नहीं किया था। उसी प्रकार आज हम देखो जब कॉलेज में कैंपस में होते हैं, क्या हमारी एकाग्रता है दृष्टि की, क्या वाणी हमारी कंट्रोल्ड है, मैनेज है? नहीं। जब सेंस ऑर्गन्स को अर्थात कर्म इंद्रियों को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो मन है, बहुत सूक्ष्म चीज है, उनको कंट्रोल करना उसके लिए कहा कि हिम्मत चाहिए। दूसरा कहा कि उम्र के साथ क्या बढ़ता है, मैच्योरिटी बढ़ती है, अर्थात समझ बढ़नी चाहिए। अगर कोई ऐसे ही बड़ा हो जाए और उसमें वो मैच्योरिटी नहीं आए, गंभीरता नहीं आए, समझ नहीं आए, तो क्या कहेंगे उसके लिए कि ऐसे ही ताड़ समान हो गया है, मना ऐसे ही बड़ा हो गया है, लेकिन वो कुछ भी समझ में नहीं आता इसको। किस बात की समझ चाहिए? समझ चाहिए कहाँ बोलना है, कहाँ शांत रहना है, कहाँ किस बात का सामना करना है, कहाँ किसी बात को सहन करना है, ये मैच्योरिटी चाहिए। मैनेजमेंट जार्गन में एक सिंड्रोम आता है जिसको बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम कहा जाता है। ये क्या है? आप सभी जानते हैं कि मेढक फ्रॉग वो नेचर का एक बहुत अच्छा क्रीचर है, उसकी बहुत अच्छी विशेषता है जो शायद आप नहीं भी जानते होंगे। मेढक की विशेषता क्या है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाह्य वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार एडजस्ट कर सकता है। ये एक मेढक की विशेषता है। मान लो आपने एक पानी का पॉट लिया और उस पानी के पॉट में आपने उस मेढक को डाल दिया। अभी उस पॉट को आप गैस पर रखो बहुत धीमी आंच से,
तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी गर्म होना शुरू होगा। मेढक भी क्या करेगा, उस पानी के अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को वो एडजस्ट करेगा। धीरे 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 एडजस्ट करते 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 अभी पानी उबल रहा है, बॉइल हो रहा है। अभी मेढक एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आप सबका क्या विचार है? ना आप पूछो अपने आप को कि मेढक अभी क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट हो नहीं रही है, तो भी वो क्या करेगा? आपके मन में विचार आता होगा कि वो कूद जाएगा, अभी उसको कूदना चाहिए, परंतु वास्तविक पोजीशन में क्या होता है, वो नहीं कूद पाता है। क्यों नहीं कूद पाता है? क्योंकि कूदने के लिए शक्ति चाहिए। अभी वो शक्ति तो उसने यूज कर ली थी स्वयं को एडजस्ट करने में, तो एडजस्ट करते 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 उसने सारी अपनी शक्ति यूज कर ली। अभी जबकि उसको शक्ति चाहिए कूदने की, अभी उसके पास शक्ति नहीं है, तो वो कूद नहीं पाता है, और कूद नहीं पाएगा तो नेचुरल है रिजल्ट क्या हुआ, फ्रॉग इज बॉइल्ड टू डेथ। क्या सोचना पड़ेगा, जब तक आप नया सोचेंगे नहीं तब तक नया कार्य कर नहीं सकेंगे, और जब नया कार्य नहीं करेंगे तो नेचुरल है आपको वही मिलेगा जो आज दिन तक मिला है। और आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में कौन सक्सेसफुल होता है, जो बहुत क्रिएटिव है, जो नए नए आइडियाज लाता है, जो नई नई बातों को संसार के सामने रखता है, वही तो विजयी बनता है, वही तो सफल बनता है। और इसलिए आज जो टाइम है वो आइडियाज का टाइम है, नई नए विचारों का टाइम है, नई नई टेक्निक्स का टाइम है। तो इसलिए हमको अपने विचारों को, अपने मन को क्रिएटिव बनाना होगा। पर क्रिएटिव कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, हमें उसको पहले शांत करना होगा। कहते हैं साइलेंस से हर क्रिएटिविटी जन्म लेती है, और दूसरा कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार का साधन बनता है, या उसकी माँ है आवश्यकता। तो एक है कि समय की डिमांड क्या है वो हमको देखना होगा, और दूसरा अपने मन को शांत रखना होगा, उससे हमारे जीवन में क्रिएटिविटी आती है। अगर ये तीन बातें, अगर हम मैनेजमेंट में ये तीन बातें सीख लेते हैं, जिसको कहते टी अर्थात टैक्ट, ये कला सीख लेते हैं अपने मन को संभालने की, अपने मन को शांत रखने की, अपने मन को क्रिएटिव बनाने की, तो समझ लीजिए कि आप जीवन में सदैव सफल होंगे। तो हमको मन को मैनेज करना है जो हमने सीखा। अभी मन को मैनेज कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई भी मैनेजमेंट में जब हम जाते हैं तो तीन बातों का लक्ष्य लिया जाता है। एक है कि फिजिकल एस्पेक्ट। आज यंगस्टर्स भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं अपने फिजिकल लुक्स को लेकर के, उसमें वो एक्सरसाइज करेंगे, अपनी डाइट पर ध्यान रखेंगे, और हर बात के हिसाब से अपने फिजिकल फिटनेस के लिए अटेंशन देते हैं। मैनेजमेंट भी ये होता है, कंपनीज में भी ये करते हैं कि अपनी एम्प्लॉयज को फिजिकली फिट रखने के लिए कई सारी कंपनीज होती है जो हर वार्षिक या वार्षिक अपने एम्प्लॉयज का बॉडी चेकअप कराते हैं, उनकी फिटनेस के लिए ध्यान रखते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है सोशल एस्पेक्ट, और उसमें बहुत सारे कोर्सेज आज भी चलते हैं। वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसी हो, आपसी व्यवहार कैसा हो, अच्छे मैनर्स क्या होते हैं, हाउ टू से यस, हाउ टू से नो, ऐसी बहुत सारी, हाउ टू स्माइल, ऐसे भी कोर्सेज चलते हैं। अर्थात सामाजिक लाइफ में दूसरों के साथ हम कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करें और कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी तो सोशल मीडिया के भी कोर्सेज होते हैं,
कि कैसे हम लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, तो वो है सोशल एस्पेक्ट। तीसरा है मेंटल एस्पेक्ट, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी काफी हद तक ध्यान देते हैं, जिसमें क्रिएटिव वर्कशॉप्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अर्थात टेंशन कम हो, हमारा मन प्रफुल्लित रहे, हमारा मन खुश रहे, तो ये सारी बातें हम ध्यान देते हैं। पर जो सबसे निग्लेक्टेड एस्पेक्ट है, अर्थात जो बिछड़ा हुआ एस्पेक्ट है, वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। ये स्पिरिचुअलिटी क्या है? जो हम बीइंग पोर्शन जो हमारा है, अर्थात हम जो है, हम अपने आप से बहुत दूर चले गए हैं। आप सोच, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि किसी का मन बहुत पावरफुल है, शांत है, शक्तिशाली है, क्रिएटिव है, उसका फिजिकल फिटनेस भी देखो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत हेल्दी है, एक्चुअली जो फिटनेस होनी चाहिए ऐसी ही है। वो सोशली भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें कर सकता है, लोगों को घंटों तक उनके साथ बातों करने को अच्छा लगे, ऐसा भी होता है, परंतु उसको अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो क्या वो खड़ा रह सकता है? उसकी स्पाइन में कोई नस दबा रही हो, कोई मणकों में प्रॉब्लम हो, तो क्या वो खड़ा हो पाएगा? कहते नहीं। आज बॉडी फिट है, सोशली वो फिट है, उसका मन भी फिट है, पर वो खटिया से नीचे नहीं उतर सकता, क्योंकि वो खड़ा ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो ठीक पोजीशन पर नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है। अगर खड़ा हो भी जाता है तो वो झुक जाता है, बैंड हो जाता है। यही काम है आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में। हम चाहे बहुत इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं हो, हमारे इतने सारे फ्रेंड्स क्यों नहीं हो, सोशली हम बहुत अच्छे हो, बॉडी भी फिट है, पर कोई बातें ऐसी जीवन में आती हैं जिसका सामना हम नहीं कर पाते हैं, उन परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता की कमी है। ये आध्यात्मिकता है क्या? तो हम अभी देखेंगे कि आध्यात्मिकता क्या काम करती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे लाइफ में कोई ना कोई स्टिम्यूलस होता है। ये स्टिम्यूलस क्या है? उसको ये साइकोलॉजी टर्म में कहा जाता है स्टिम्यूलस। स्टिम्यूलस वो होता है जो कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई बात, कोई परिस्थिति ऐसी हमारे जीवन में होती है जो हमको विचलित कर देती है, स्टिम्यूलेट करती है, माना हमको हिला देती है अंदर से, हम हिल जाते हैं अंदर से। वो अच्छी बात भी होती है, वो नेगेटिव बात भी होती है, पर ज्यादातर हम विचलित होते हैं नेगेटिव बातों से। फॉर एग्जाम्पल कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में खड़े थे, चार फ्रेंड्स के साथ खड़े थे, उसमें एक छटा आता है और आकर के आपको आपका इंसल्ट करता है, आपको ब्लेम करता है, आपको अनपशनप बोल देता है, गालियां बोल देता है, तो कुछ नहीं हुआ है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े थे और उन फ्रेंड्स के बीच में आकर के उसका ऐसा व्यवहार आपको स्टिमुलेट करेगा या नहीं करेगा? आप हिल जाएंगे अंदर से, आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको इतना अपना रिस्पेक्ट टूटा हुआ लगेगा, तो आप क्या करेंगे उस समय, या रादर क्या करते हैं? कहते हैं हर स्टिम्यूलस को रिस्पॉन्स देना पड़ता है, आप चाहो या आप नहीं चाहो, लेकिन आपको रिस्पॉन्स अवश्य देना पड़ता है। अभी रिस्पॉन्स क्या करेंगे, क्या देंगे? मान लो कि उसने आपको दो गाली सुनाई, रिटर्न में क्या करेंगे आप? कहते हैं अरे उसको चार सुना देंगे। तो आपने ये जो चार का रिस्पॉन्स दिया वो उसके लिए स्टिम्यूलस बन जाएगा, वो उसको हिला देगा, तो वो भी रिस्पॉन्स करेगा आपको। वो आपको क्या रिस्पॉन्स देगा? वो आपको आठ गालियां सुनाएगा, फिर वो आपके लिए स्टिम्यूलस बन जाएगा, तो आप रिस्पॉन्स क्या करेंगे?
आप उसको 16 सुनाएंगे। अर्थात ये विशियस साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। एक बुरा होना, उसके रिस्पांस में उसका डबल बुरा करना, वो उसके लिए स्टिमुलस बन जाता है और इस बुराई से हम निकल नहीं सकते हैं। और इसलिए कहा कि अगर इस विशियस साइकिल, ये चक्रव्यूह है नेगेटिव, उससे अगर हमें बाहर निकलना हो तो क्या करना चाहिए, कैसे निकल सकते हैं, तो कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं कि स्टिम्यूलस और रिस्पांस, उसके बीच में गैप मिलती है हमको। आप देख रहे हैं दोनों के बीच में गैप है। वो गैप किस लिए हमको मिली है, किस लिए मिली है? कहते हैं चॉइस के लिए। क्या चॉइस करने के लिए, स्टिम्यूलस या रिस्पांस? स्टिम्यूलस तो बाहर से आता है, किसी ने कुछ बोला, कुछ हो गया हमारे लाइफ में, हम कुछ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे थे और कुछ गलत हो गया, या बहुत अच्छी पढ़ाई की थी और एग्जाम में पेपर बहुत टफ निकला, तो क्या पेपर आपके हाथ में था कि रिस्पांस आपके हाथ में था? आपको क्या लिखना है वो आपके हाथ में था कि पेपर कैसे निकालना चाहिए सर को, वो आपके हाथ में था? क्या कहेंगे? तो स्टिम्यूलस हमारे हाथ में नहीं होता है, वो एग्जाम के पेपर के समान होता है। पेपर सामने आता है, उस समय हमको कंप्लेन करने का भी टाइम नहीं होता है कि सर ने हमको ये पढ़ाया नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, क्या बहुत टफ था, ये तो हमको बता ही नहीं है, ये सब करते हैं, ये सब टाइम नहीं होता। 3 घंटे में आपको रिस्पांस लिखना है और वो जो लिखेंगे उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसलिए कहते कि स्टिम्यूलस में अगर हम क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा थोड़े ही होता है, ये कोई तरीका है, नहीं काम आएगा। पर रिस्पांस मेरे हाथ में है, मुझे वो रिस्पांस पॉजिटिव देना है, नेगेटिव देना है, वो मेरे हाथ में है। ज्यादातर लोग नेगेटिव देते हैं, जैसे अभी देखा कि 2 गाली के सामने क्या करेंगे, नेचुरल है और 2 सुनाएंगे। या मान लो कि किसी ने तेज आवाज से आपके साथ बात की तो आप रिटर्न में आंसर कैसे करेंगे, उससे डबल आवाज निकालेंगे, कहते उसने ऐसे ऊंचे आवाज से बोला तो मैंने उससे भी ऊंचे आवाज से बोला। पॉजिटिव रिस्पांस देना हो, मेहनत है। और इसलिए कहते कि जब नेगेटिव रिस्पांस देते हैं ना, उसको रिएक्शन कहते हैं। आपने डॉक्टर्स को कई बार सुना होगा कि किसी मरीज को वो दवाई देते हैं तो वो क्या कहेंगे, जब दवाई असर करना शुरू कर देती है तो कहते हैं कि ये मेडिसिन रिस्पॉन्ड कर रही है, मना अच्छा हो रहा है। और अगर उस दवाई से रिएक्शन आया तो, जो नेगेटिव हुआ, तो कहेंगे ये रिएक्शन आया। तो हम अपने जीवन में रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं वो हमारे ऊपर है, और हमारा रिस्पॉन्ड या रिएक्शन वो सामने वाले का स्टिम्यूलस बनना है, वो याद रहे। तो नेगेटिव तो ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि आज दिन तक जो किया है वही करेंगे। हमारी इच्छा के खिलाफ किसी ने किया तो गुस्सा हो जाएंगे, हमारे पसंद की सब्जी नहीं बनी तो गुस्सा हो जाएंगे, हमारे पसंद का पेपर नहीं आया तो टेंशन में आ जाएंगे। ये तो ऑटोमेटिक रिस्पांस हम नेचुरली देते आए हैं। और इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जंगलों को उगाने के लिए किसी ने मेहनत नहीं की है, जंगलों को उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करता है, पर अगर छोटा सा पौधा एक गार्डन बनाना हो, अरे गार्डन तो छोड़ो, अपने घर में 2 गमले भी हो ना प्लांट्स के, उसको भी देखभाल चाहिए, उसको भी रोज का रोज पानी चाहिए, बीच बीच में उसकी खाद बदलनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के फूल या फल मिलता है। ये है अपना जीवन। हमको जंगलों के समान बनाना है या एक गार्डन के समान बनाना है जिसको हर कोई देखने आए, जिसके अंदर के फूल
इतनी अच्छी खुशबू दे कि लोग आकर्षित होकर के हमारे पास आए, क्या करना है। और इसलिए कहा कि जब हम नेगेटिव रिएक्शन देते जाएंगे, वो तो जंगल के समान है, जैसे कि कांटे कहां से भी चुभ जाएंगे, और रिस्पॉन्स पॉजिटिविटी से आता है। आप जितने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देते जाएंगे, आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी बनती जाएंगी। और इसलिए कहा कि पॉजिटिविटी बाहर से नहीं आती है। आपका कोई भी रिस्पॉन्स है ना, या रिएक्शन मान लो नेगेटिव भी, वो आता कहाँ से है? बाहर से आता है या अंदर से आता है? अंदर से आता है। अभी अंदर से नेगेटिविटी तो नेचुरल बाहर निकल रही है, अंदर से पॉजिटिविटी बाहर निकले उसके लिए मेहनत कौन करेगा? कोई और आएगा करने के लिए? क्या हम ये ब्लेम दे सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, हमारे टीचर्स ऐसे हैं, हमारा एटमॉस्फियर ही ऐसा है, जिसमें कुछ नहीं हो सकता? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइव्स, हमारे जीवन के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। अभी वो जिम्मेवारी उठाते हुए हमें पॉजिटिव बनना है या नेगेटिव बनना है, ये हमारे हाथ में है। परंतु ये जरूर याद रखिए, अंदर से अगर पॉजिटिविटी बाहर निकालनी है या पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है तो आंतरिक शक्तियां चाहिए। बिना भीतर की शक्तियों के हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। जैसे कोई आपका, मैंने बताया अभी, इंसल्ट कर दिया, उस सभी शांत रहना, स्वस्थ रहना कितना मुश्किल होता है। यही तो मुश्किलात है। और इसलिए तो कहते हैं कि क्रोध के सामने क्रोध करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु किसी को क्षमा देना वीरों का काम है। वो वीर ही कर सकता है किसी को फॉरगिव एंड फॉरगेट। बाकी तो आपने देखा होगा, आप कुत्ते को भी एक पत्थर मारेंगे ना, वो भी भौंकेगा आपके सामने, उसमें क्या बड़ी बात है? किसी ने छोटा सा कुछ बोल दिया और हमने उस पर चिल्ला दिया, क्या बड़ी बात है? आजकल हम उसको बहादुरी समझते हैं, परंतु नहीं, ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी उसमें है कि हम किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में अपना बेस्ट देवे, अपनी अच्छाई देवे। और उसके लिए वो अंदर में शक्तियां चाहिए, जिसको इनर स्ट्रेंथ कहते हैं या आंतरिक शक्तियां कहते हैं। और आंतरिक शक्तियां बढ़ेगी केवल और केवल आध्यात्मिकता से। आप सोचेंगे आध्यात्मिकता ये बड़ी कौन सी बात है, ये तो जब 60 साल के होंगे, बूढ़े होंगे, तब कुछ कर लेंगे स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता की एक सिंपल डेफिनेशन है, जो स्व के प्रति अधिक ध्यान देता है वो ही आध्यात्मिक बनता है। स्व के प्रति अधिक ध्यान, आप देखो अपनी पर्सनल लाइफ में हमारा फोकस, हमारा ध्यान कहाँ होता है? लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, लोगों के बीच में हम कैसे लगते हैं, बस यही तो ध्यान है हमारा। और इसलिए हम कभी अपने आप पर ध्यान नहीं रखते। कोई भी गलती होती है तो दोष का टोपला किसके सर पर रखते हैं? दूसरों के। अगर एक सेंटेंस किसी को कहने से उसका अच्छा होता है तो दूसरे 50 को हम सुनाएंगे कि अरे मैंने इसको गाइड किया था, मैंने उसको सलाह दी थी, तो आज देखो तो कितना अच्छा लाइफ है, कितना अच्छा रिजल्ट है। और अगर बुरा हुआ तो कहते मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब लोगों ने बिगाड़ दिया काम। ब्लेमिंग। और ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन बचपन से ये बात हमारे जहन में पड़ गई है। एक छोटा सा बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो उसकी माँ उसका रोना बंद करने के लिए क्या करती है? वो टेबल को मारेगी, कहेंगे ये टेबल को हद करो, उसको भी सिखाएंगे कि इस टेबल को हद करो, मीन्स उसको मारो।
क्योंकि ये टेबल बीच में आ गया, तू तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये टेबल बीच में आ गया इसलिए तू गिर गया। तब से हम एक बच्चे के जहन में, एक बच्चे के माइंड में इस बात को हम रजिस्टर करवा देते हैं कि जब भी हम गिरते हैं, जब भी हमारे जीवन में दुख होता है, जब भी हम जीवन में हार जाते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, परंतु जो बीच में आता है, चाहे वो व्यक्ति, चाहे वो सिचुएशन, वो रिस्पॉन्सिबल है। और हम इसलिए ब्लेम दूसरों को देते हैं कि ये टेबल बीच में आया, ये कुर्सी बीच में आई, ये इंसान बीच में आया, उसके वजह से मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ। हम ये मानते हैं, ये कितनी गलत सोच है। अगर उसी समय हमको ये बताया जाता हो कि आप अभी चलना सीख रहे हो, कोई बात नहीं, गिर जाओ तो फिर से उठो, फिर से चलो, हम रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे गिरने पर, हमारे फेलियोर पर, हमारे दुखी होने पर, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये है सेल्फ मैनेजमेंट, कि हम स्वयं की जिम्मेवारियां खुद उठाएं। आज तो क्या कहते हैं, हमारी खुशी और गम का आधार क्या है? लोग, आज मान लो हम कॉलेज में गए, बहुत अच्छे मूड में थे, फ्रेश थे, मॉर्निंग मॉर्निंग कॉलेज में गए, और हमारे फ्रेंड ने हमको बुलाया ही नहीं, बुलाना तो क्या, उसने देखा भी नहीं मेरे सामने, क्या होता है खुशी का? रहती है खुशी कि हमारी गुम हो जाती है? इतनी छोटी सी बात पर हमारी खुशी गुम हो जाती है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ नहीं देखा या देखा, उस पर हमारी खुशी का आधार है। और इसलिए कहते हैं कि आज हमने अपने जीवन की खुशी, प्रेम, शांति, आनंद, इसका रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथों में देकर रखा है। वो चाहे तो हम खुश हो जाएं, वो चाहे तो हम शांत रहे, वो चाहे तो हम रो दें। ऐसा रिमोट कंट्रोल हमने अपने इमोशंस का दूसरों के हाथों में रखा है। क्या इसी से जीवन बनेगी? आप एक मिनट शांति से सोचो कि अगर इसी प्रकार चलता रहा, हमारी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल, हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होगा, तो आने वाले समय में हमारी पोजीशन क्या होगी? आने वाला समय अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, या हमारे एक्सपेक्टेशन से विरुद्ध होगा? आप जो चाहते हैं, क्या ऐसा ही जीवन बनेगा? ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ऐसे ही फैकल्टीज मिलेगी, ऐसे ही सब कुछ होगा लाइफ में जो आप चाहते हैं? तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप ये मानकर चलो कि आप जो चाहते हैं, हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, तब भी क्या मैं खुश रह सकती हूं? ये है परिस्थिति पर स्वस्थिति की विजय। मैं हमेशा कहती हूं, जीवन में द्वंद्व युद्ध सदैव होता है। एक स्वस्थिति माने एक मैं अपनी स्थिति, और दूसरी है परिस्थिति। परिस्थिति को अगर आप संधि अलग करो तो क्या होगा? पर प्लस स्थिति माने दूसरों से क्रिएटेड कुछ पोजीशन है या स्थिति है, उसको कहते परिस्थिति। और एक होती है स्व की क्रिएटेड कोई स्थिति, वो है स्वस्थिति। अभी ये द्वंद्व युद्ध चलता रहता है, विजयी कौन बनेगा? द्वंद्व युद्ध माना दो में जब बॉक्सिंग होती है, दो में जब युद्ध होती है, दो में जब लड़ाई होती है, तो कौन जीतेगा? कमजोर जीतेगा या शक्तिशाली जीतेगा? तो नेचुरल है शक्तिशाली जो होगा वही जीतेगा। तो अगर परिस्थिति शक्तिशाली हो गई तो परिस्थितियां जीत जाएंगी, सिचुएशंस जीत जाएंगी और हम हार जाएंगे। तो हमें ऐसी तो लाइफ नहीं बनानी है, हमें स्वयं को जिताना है, और इसलिए स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। और स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारा फोकस, हमारा ध्यान नित्य स्वयं पर रखना है।
उसके लिए बहुत सुंदर हम चार स्टेप्स लास्ट में समझेंगे जिसके आधार से हम सेल्फ को मैनेज कर सकेंगे। ये चार स्टेप्स आप ध्यान से लिखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहला है कि सेल्फ मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ये पहला स्टेप है। आप सही मानो तो आज जिस स्थान पर मैं हूं, हम लोग काफी सारे लोगों को मिलते हैं, हर एज के लोगों को मिलते हैं। हम कंपनीज में भी जाते हैं जहां मैनेजमेंट टीम होती है, एम्प्लॉयज होते हैं। हम कॉलेज और स्कूल में भी जाते हैं, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारीज की यूथ विंग्स में कार्य करती हूँ, तो पूरे इंडिया के जो यूथ हैं उसके लिए हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो ज़्यादातर हमने ये एक कंप्लेन हर एज के लोगों से पाई, और वो है कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। आप घर में जाओ तो पेरेंट्स कहेंगे कि बच्चे समझते नहीं हैं, और बच्चों को पूछो तो क्या कहेंगे कि पेरेंट्स हमारी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है, हमारे ड्रीम्स को समझते नहीं है। आप कॉलेज में जाओ तो फैकल्टीज कहेंगे ये बच्चे नहीं समझते हैं, स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं, और स्टूडेंट्स को पूछो तो कहेंगे ये फैकल्टी नहीं समझते हमको। कंपनीज में जाओ तो मैनेजमेंट भी यही कंप्लेन करता है कि एम्प्लॉयज समझते नहीं है। एम्प्लॉयज को पूछो पर्सनल तो एम्प्लॉयज कहेंगे मैनेजमेंट हमको नहीं समझते। तो हर एक व्यक्ति, हर एक प्रोफेशन में, हर जगह पर ये कंप्लेन हर एक की है कि कोई मुझे समझता नहीं। मैं आप सबको एक प्रश्न पूछती हूं कि क्या आप अपने आप को समझ पा रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ? अगर मुझे, मेरे सामने मैं ही क्लियर नहीं हो, या मैं ही अपने आप को नहीं समझ पा रही हूं, तो लोग मुझे समझे ये कैसे पॉसिबल है? आप कैसे सोच सकते हैं कि दूसरों को समझना चाहिए मुझे? सबसे पहले तो मुझे अपने आप को समझना जरूरी है, मैं क्या चाहती हूं। तो उसके लिए क्या करेंगे स्वयं को समझने के लिए? तो उसका दूसरा स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन, अर्थात स्वयं को टाइम देना। रिफ्लेक्शन माना स्वयं के ऊपर गौर करना, स्वयं को समझने का टाइम देना। आज है टाइम। हम लोग जब किसी को भी कहते हैं ना कि आप थोड़ा मेडिटेशन सीख लो, आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को समझ लो, तो कहते हैं कि दीदी फुर्सत कहाँ है, टाइम कहाँ है, टाइम ही नहीं है हमारे पास, इतना सारा कारोबार होता है तो फुर्सत कहाँ है। आप सोचो जिस व्यक्ति को खुद के लिए टाइम नहीं है, वो दूसरों को क्या टाइम दे पाएंगे? आज अपनी अपॉइंटमेंट डायरीज में देखो ना तो सारे लोगों के लिए अपॉइंटमेंट्स फिक्स करेंगे, लेकिन खुद के लिए नो टाइम। और इसलिए कहा कि स्वयं को समय देना वो है शार्पनिंग द एक्स जैसा, माना एक कुहाड़ी, एक कुहाड़ी को आप पेड़ काटने के लिए यूज करो। पहली बार काटेंगे 2 घंटे में पेड़ कट जाएगा, दोबारा काटने जाएंगे तो 4 घंटा होगा, तीसरी बार काटने जाएंगे तो 8 घंटा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो धार होती है ना, वो धीरे धीरे वो शार्प नहीं रहती है, और जब वो शार्प नहीं है तो काटेगा कैसे? और इसलिए कुहाड़ी को शार्पन करना, वो टाइम देना जरूरी है, तभी तो आपका कार्य सहज होगा। उसी प्रकार स्वयं को समय देना, स्वयं को समझने में समय देना, स्वयं के लिए समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो हम खुश रह पाएंगे, तभी तो हम आनंदित रह पाएंगे, तभी तो हम संतुष्ट रह पाएंगे, और तभी तो लोगों को हम कर पाएंगे। जैसे मेरे पास कुछ है तब मैं आपको दे सकती हूँ, मेरे पास ही नहीं है आपको कैसे दूंगी?
मैं ही सेटिस्फाइड नहीं हूं मेरे अपने आप से, मैं आपको संतोष कैसे दूंगी जीवन में। और इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को टाइम दें। हम लोग यहाँ रोज सुबह उठ करके कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम आपके पास हो, आप अपने आप को टाइम दो। टाइम में क्या देना है, एक तो अपने लिए अच्छे अच्छे विचार करो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इस संसार की सबसे सुंदर रचना हूँ, क्योंकि आपके जैसा इस संसार में कोई बना ही नहीं है। पता है आपको, सारे संसार में 750 करोड़ ऐसा बताया गया है, अराउंड फिगर 750 करोड़ आत्माएं हैं, लोग हैं, आपके जैसा एग्जैक्टली नाम वाला, रूप वाला, गुण वाला मिलेगा? कोई नहीं, आप अकेले हो। क्योंकि हर समय आप जो सोचते हो ऐसा कोई नहीं सोचता आज संसार में, और हम जो बने हैं अपनी सोच के आधार पर बने हैं। तो मैं इस संसार में सबसे अलग हूं, सबसे अच्छा हूं, ऐसे अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए, अपनी अच्छाई को जागृत करते हुए हमें दिन आरंभ करना है। मैं अपनी पर्सनल बात सुनाती हूं, मैं रोज 3 संकल्प करती हूं कि मैं इस संसार में सबसे अलग हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं, भगवान मेरे साथी है, और आज के दिन ऐसी कोई भी समस्या या ऐसी कोई भी बात मेरे जीवन में नहीं आएगी जो मैं और मेरा साथी भगवान जिसको सॉल्व नहीं कर सके। ये 3 संकल्प मैं रोज करती हूँ, और उसके फल स्वरूप मेरा जीवन इतना सहज और इतना श्रेष्ठ बन चुका है। तो आप सभी भी ऐसे कोई भी और 3 संकल्प, 2 संकल्प, 5 संकल्प जो आपको अच्छा लगे आप रोज सोचिए। रोज सोचेंगे तो ऐसा आपके लाइफ में होगा। तो सबसे पहले उठकर आपको अपने आप को पॉजिटिविटी से भरपूर करना है। सेकंड स्टेप, आपको सारे दिन में जो कार्य करना है तो वो आप लिख करके तैयार करो कि आपको सारे दिन में क्या काम करने हैं। तो फिर आप अपने एनर्जी, अपने टाइम को उस प्रकार यूटिलाइज करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपको फिर उस काम को प्रायोरिटी देना है कि पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा करना है, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। फिर है सेल्फ रिफ्लेक्शन। तीसरा स्टेप है, और वो है, वो क्या करेंगे, अपने आप को समझने के लिए अपने आप को समय देंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे तो नेचुरल है कि हमको भी सामने से रिस्पेक्ट मिलना आरंभ होगा। जो स्वयं को मान नहीं दे सकता उसको संसार कभी सम्मान नहीं दे सकता। इसलिए सदैव ये याद रहे कि हमें अपने आप को रिस्पेक्ट देना है, अपनी अच्छाइयों को ध्यान में रखना है, और अपने आप को समय देना है, जिसके फल स्वरूप क्या होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट का जो 4th स्टेप है सेल्फ मैनेजमेंट का, वो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। माना सेल्फ को हम ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। सेल्फ को ऑर्गेनाइज करना माना, हम सभी पढ़े हैं, हम सभी जानते हैं कि जब हमारी मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज होती है तो बहुत अच्छे से सुनाई देता है, बहुत अच्छे से हम कार्य कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे यूज करते जाओ तो क्या होता है, वो डीम हो जाती है। तो हम कितना ध्यान रखते हैं अपनी मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को चार्ज रखना है। उसके लिए क्या करेंगे, ये 4 स्टेप्स याद रहे, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपना स्वयं को समझना, स्वयं को समझने के लिए टाइम देना, स्वयं को अपने आप पर गौर करना,
कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आता है, तो पहले अपने बारे में सोचना कि मैंने कहाँ गलती की, मुझे कहाँ अपने आप को चेंज करना है। क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, एक से नहीं बजती, और जिसके फलस्वरूप हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे, अपना स्वमान रख पाएंगे, और जिसके कारण हमारी जो सिस्टम है इंटरनल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। ऑर्गेनाइज्ड रहना माना, जैसे आज हमारे जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो सारे डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। हम सोचते कुछ और है, हम बोलते कुछ और है, हम करते कुछ और है, हम व्यवहार में कुछ और आते हैं, और फिर लगता कि अरे ये कैसे हो गया, हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं, फिर होता क्यों नहीं, क्योंकि शक्ति नहीं है। तो जितना हम अपने आप को चैनलाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, उतना अपने आप को सेल्फ मैनेज कर सकेंगे, और उसके फलस्वरूप हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आएंगे, और हम उस परिवर्तन के दौरान सबके लीडर बन सकेंगे। अर्थात लीडर बाय एग्जाम्पल, हमारा जीवन संदेश बन जाएगा, हमारा जीवन उदाहरण मूर्त बन जाएगा, जो लोगों को उसको फॉलो करने का इजी लगेगा या लोग फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार छोटा सा सेशन हमने सुना सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी 2 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठेंगे, और मैं यहाँ से जो भी बोलूँ वो आपको मन ही मन रिपीट करना है, उसको फील करना है। तो आओ चलते हैं, वो 5 मिनट सुबह उठकर क्या करना है उसकी प्रैक्टिस करें। ओम शांति। स्वयं के सामने एक मिरर को विजुलाइज करो, एक आईना जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो। आप अपने आप को देखते हुए अप्रिशिएट करते हो कि मैं इस संसार में सबसे अलग हूँ, मेरे जैसा कुदरत ने किसी को नहीं बनाया। मैं इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हूँ, सबसे अलग हूँ, बहुत अच्छी हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ, मैं सर्व के लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ कि सभी बहुत अच्छे हैं। मेरे जीवन में जो भी मुझे मिला है वो सबसे अच्छा है। मेरा साथी स्वयं भगवान है, जो सर्वशक्तिमान है। जो पूरे विश्व को चलाने वाला है वह मेरा साथी है। मेरे जीवन में कोई समस्या आने वाली नहीं है। मेरा जीवन भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित है, निश्चिंत है। विजुलाइज करो कि परमात्मा की किरणें मेरे मस्तक पर छत्र के समान है, जिसमें कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं हो सकती।
मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। ओम शांति शांति शांति। खूब सरस बेने।